పుల్వామా కిరాతక దాడితో 40 మంది జవాన్లను బలితీసుకున్న పాకిస్తాన్ ఉగ్ర మూకలపై భారత్ పంజా విసిరింది. రక్తం మరిగిన అరాచక మూకలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. నియంత్రణ రేఖ వెంబడి ఉన్న ఉగ్ర తండాలపై మెరుపుదాడులతో వెన్ను విరిచింది. గతంలో ఓసారి మెరుపుదాడులతో తడాఖా చూపించిన భారత వైమానిక దళం తెల్లవారుజామున వరుస దాడులతో కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది. మిరాజ్ 2000 యుద్ధ విమానాల ద్వారా సుమారు 1000 కిలోల పేలుడు పదార్థాలతో ఉగ్ర శిబిరాలను ధ్వంసం చేసింది. భీకర దాడులతో ఉగ్ర మూకలను మట్టుబెట్టింది. తెల్లవారుజామున 3.5 గంటలకు మొదలైన జెట్ పైలట్లు మెరుపుదాడులు ఉగ్రవాద శిబిరాలను నేలమట్టం చేశాయి. ఈ మెరుపు దెబ్బతో భారత్ వైపు కన్నెత్తి చూస్తే సహించేది లేదని, మరోసారి అలాంటి దుస్సాహసానికి ఒడిగడితే నూకలు చెల్లినట్లేనని హెచ్చరికలు పంపింది. ఈ దాడిలో మొత్తం 12 మిరాజ్ యుద్ధ విమానాలు పాల్గొన్నట్లు సైనిక అధికారులు తెలిపారు. We were respecting it. In fact, you know, the entire nation wanted it that way, that the action should be taken against these militants. Now, the government of India's policy is what we want, you know, to end of this militancy for once and forever, no more. This is the message communicated to the Pakistan. If they are interested, we would be willing to talk. And the choice of the place was selected, you know, the occupied territories, because these are the territories which belong to India. It's not an aggression on Pakistan, basically. So we have eliminated these militant camps within our territory, which is occupied by Pakistan. So that is the reason, you know, because we cannot accept ongoing every day one or two militant being killed, or and the security personnel also martyred in these attacks. We want peace and stability of this region and India as well, you know. I hope Pakistan will understand its meaning, what we want, you know. And if they retaliate, Indian forces are fully prepared to deal with any eventuality. Sir, 1000 kg bombs dropped हुआ है LOC पे, जहाँ पे 12 मिराज और 2000 jets use किए गए. आप कैसे 2000 jets use किए, कैसे देखते हैं आप इसको? ये एक बहुत बड़ा operation है और इसको time लगा prepare करने में, हालांकि बहुत ज़्यादा time नहीं लगा, बहुत जल्दी ही हो गया, 12 दिन के अंदर. देखिए, आर्मी के ऑपरेशंस में या एयरफोर्स के ऑपरेशन में काफ़ी समय लगता है. मैपिंग, जगहों के सिलेक्शन, टाइमिंग, रिसोर्सेस कलेक्ट करना, सारी चीज़ें. 12 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता. और उसके अंदर ये अटैक किया गया है, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं. पहला ऑब्जेक्टिव तो ये कि जो पुलवामा में हुआ या इससे पहले दूसरी जगहों पर हुआ, उसका हमने बदला लिया. दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को ये एक मैसेज है कि अब मिलिटेंसी हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए. नो मोर मिलिटेंट अटैक्स. एक भी अटैक अब बर्दाश्त नहीं होगा भारत को. ये जो डेली बेसिस के ऊपर वो कश्मीर में, कभी पंजाब, दूसरे शहरों में भारत के अटैक कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. कोई स्लीपर सेल हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे. अगर हैं तो उसको ये ख़त्म करें. और दूसरी चीज़ ये कि हाफिज सईद और अजहर मसूद को भारत के हवाले करना पड़ेगा. इनको ये नहीं हो सकता कि वो यहाँ पे आतंकवाद करें और उसको फैलाएं और लोगों को भेजें और बड़े बड़े ऑपरेशंस कराएं और खुद वहाँ आराम से सिक्योरिटी में ठहरे. इन लोगों ने भारत में क्राइम किए हैं, इनके ऊपर केसेस हैं भारत के अंदर. इनको अगर पाकिस्तान नहीं भेजता तो उसको ज़बरदस्ती भेजना पड़ेगा एक दिन. और ये लोग इंटरनेशनल टेररिस्ट भी घोषित कर दिए गए हैं पहले से. सर, ये ऑपरेशन बहुत बड़ा है, क्या लगता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? पाकिस्तान ने कहा तो था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि वो खामोश नहीं बैठेंगे, रिटेलिएट करेंगे. अब हमें देखना है क्या करते हैं. अगर रिटेलिएट करेंगे तो बहुत नुकसान होगा. पाकिस्तान इस समय जंग को अफोर्ड इकोनॉमिकली भी नहीं कर सकता और उसकी क्षमता भी नहीं है भारत से लड़ने की. इकोनॉमिकली बहुत वीक है, बैंक करप्सी के कगार पे खड़ा हुआ है. और दूसरी तरफ ये भी है कि
उसकी आर्मी क्षमता हमारे भारत से मैच नहीं करती, और ये सोच रहा है कि कोई तीसरा मुल्क उसकी आके मदद करेगा तो वो भी संभव नहीं है। साथ में ये भी है जो उसके पुराने मित्र हैं सऊदी अरबिया, यूएई, वो खुद एक जंग में यमन में फंसे हुए हैं और तेल की दाल दामों की कीमतें कम होने की वजह से उनके पास भी इतना स्पेयर मनी नहीं है कि पाकिस्तान को दे सकें। तो मैं समझता हूँ कि उनकी उनको बजाय जंग करने के तुरंत बातचीत का बात करनी चाहिए, और हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के जो हमारे जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने हमारी धरती पे क्राइम्स किए हैं, आतंक फैलाया, उनको भारत के हवाले कर दें।